नमस्कार दोस्तों। तो सुबह सुबह शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। राहुल मंदिर के लिए निकल गया था और मैंने कर ली थी पूजा की तैयारी। तो इस तरह की मैंने कुछ तैयारी पूजा की। तो इस तरह शिव जी का अभिषेक मैंने घर पे ही किया। अपने जो मेरे घर पे छोटा सा एक शिवलिंग है उसी में मैंने जल दूध शहद दही घी सब कुछ उसी में चढ़ाया और वहीं पर किया मैंने एक छोटा सा अभिषेक। और गणेश जी की कर दी थी स्थापना और ये उनकी कर दी थी पूजा। तो इस तरह से छोटी सी पूजा की मैंने। आप सभी अच्छा लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए यही कामना करते हैं। तो हो गई है मेरी पूजा पाठ, तो करती हूँ मैं। भोले बाबा सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। हर हर महादेव। और फिर सुनी भी आई हुई थी तो यहाँ पर हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे और कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी तो इतने जोर जोर से हमारी हंसी का तो ठिकाना ही नहीं था। सच में मिलते हैं ना तो पुराने दिन बहुत याद आते हैं और उन्हीं बातों को लेके फिर हमें इतना अच्छा लगता है और वो ऐसा लगता है जैसे वही समय फिर से एक बार लौट के आ गया। तो यहाँ पे हमारी चल रही थी हंसी मजाक और आप समझ सकते हैं जब दो दिन बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो कैसी बातें होती हैं। और चाय वाय पीने के बाद मैंने कर ली थी खाने की तैयारी, जिसके लिए मैंने आलू और टमाटर ले लिए थे, उन्हें काट लिया था बारीक बारीक से। और ये कढ़ाई में मैंने मूंगफली भून ली थी। मैं बना रही थी साबूदाने की खिचड़ी। तो देखिए तेल गर्म हो गया, मैंने मूँगफली तल के निकाल ली है। अब ये टमाटर हैं और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार और थोड़ी सी डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि एक अच्छा सा कलर आ जाता है। और इधर ये साबूदाना मेरा भीग चुका है, मैंने रात ही भिगा दिया था। और इस साबूदाने में मैं ना नमक और लाल मिर्च मिला के अलग से रख दूँगी। और यहाँ मेरा भुन रहा था टमाटर और नमक डालते हैं ना तो बहुत अच्छे से एकदम से पक जाते हैं। और साबूदाने की खिचड़ी ना मतलब हम लोग मौका ढूंढते हैं साबूदाने की खिचड़ी खाने का, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लीजिए जी हमारे टमाटर हो गए हैं तैयार, अब हम इसमें डाल देंगे अपने आलू उबले हुए और काट के थोड़ी देर इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे, जिससे ना थोड़ा मसाला अंदर तक चले जाएगा। और ये साबूदाने में मैंने नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के रख दिया है ताकि इसमें भी नमक अंदर तक चले जाए। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे क्योंकि आलू में भी नमक डाल रखा है और साबूदाने में भी हमने नमक डाला है। तो लीजिए ये आलू तो लगभग रेडी हो ही चुके हैं, थोड़ा सा इनको तोड़ लेंगे। और थोड़े आलू मैंने अलग से निकाल दिए हैं, जो भी खाना चाहे इस तरह से भी खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। साबूदाना अब मैंने आलूओं में मिला दिया तो देखिए कितना अच्छा एकदम खिला खिला साबूदाना है। और साबूदाने को कम से कम 5 घंटे 4 घंटे तो भिगाते ही हैं, तो हम लोग तो ना रात ही को भिगा के रख देते हैं, जिससे क्या है बहुत अच्छे से वो भीग जाता है और सुबह उठते ही उसे छन्नी में डाल देते हैं या किसी कपड़े पे फैला दीजिए, बस इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए ताकि इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे, गीला बहुत ना रहे, थोड़ा मॉइस्चर तो चलेगा। अब इधर मैंने कर दी थी ये साबूदाने की खीर बनाने की तैयारी। तो चढ़ा दिया मैंने यहाँ पर दूध, आज तो भाई शिव जी की बारात है तो कुछ पकवान बनाने तो बनते हैं ना, आज ऐसे ही तो एक मौका होता है सब कुछ बनाने का। तो उधर मेरा हो रहा था दूध गरम और यहाँ बन रही है मेरी साबूदाने की खिचड़ी, तो जो कि बहुत अच्छी लगती है। कभी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी थी, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। और लाइक, एक छोटा सा लाइक दिल खुश कर देता है। तो आप लोगों ने क्या बनाया था ज़रा बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए इस तरह से अब ये साबूदाने की खिचड़ी, इसे ना हिलाते ही रहेंगे हम।
तो चिपकेगी नहीं आपस में। फिर इसमें जो वो हमने भून रखे भून के मूंगफली रखी है, निकाल के रखी जो, उस मूंगफली को इसमें मिला लेंगे और ये देखिए एकदम चिपक भी नहीं रही है और बहुत अच्छी बन रही है। क्योंकि जो साबूदाना होता है ना वो उसमें ना बहुत स्टार्च होता है, अगर आप उसे खूब अच्छे साबूदाने को दो तीन पानी धो के भिगाएंगे ना तो वो आपस में चिपकेगा नहीं। तो वैसे ही मैंने साबूदाना इधर भी खीर के लिए मैंने रात ही भिगा के रख दिया था और ज़्यादा नहीं भिगाया क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी खीर सॉरी थोड़ी पतली बनाएंगे वो बाद में ना गाढ़ी हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से ये उबल रही थी और यहाँ ले लिए थे कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम मैंने रात ही भिगा के रख दिए थे और काजू, और थोड़े लिए हैं किशमिश जिन्हें कि काजू और किशमिश को मैं काटूंगी। अब मैंने इसमें डाल दी थी ये इलायची पाउडर जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और फिर ये कटे हुए काजू बादाम और किशमिश। आप चाहें तो कई ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हैं वो भी डाल सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं इसमें, पिस्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काजू किशमिश और बादाम ही डाले थे। ये देखिए कितना सुंदर ट्रांसपेरेंट हो गया है साबूदाना। और डाल दी थी चीनी जिसका कि वीडियो मेरे से डिलीट हो गया, तो चीनी डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाया। फिर अब इसको डालेंगे हम ये भोग के एक अलग से जो प्लेट लगाएंगे, सबसे पहले भोले के लिए निकालेंगे जिसमें कि मैंने काजू और बारीक कटे हुए बादाम से इसे सजाया है। और इसको ठंडा होने के बाद मैं एक और चीज़ इसमें सजावट के लिए डालूंगी। अब लगा देते हैं पूड़ी का आटा, जिसके लिए आटे में मैंने डाल दिया था नमक और थोड़ी सी डाली है हल्दी जिससे कि पूरी का जो कलर होता है ना वो इतना अच्छा आएगा। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें घी जिससे इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। मेल्ट किया हुआ घी डाल के इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और फिर पानी डाल के इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा गीला क्योंकि पूड़ी का आटा थोड़ा टाइट ही लगता है। लीजिए जी आटा हो गया है तैयार, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के और इसे ढक के 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए साइड रखेंगे। लीजिए अब ये है सुरन या तेड़ा, हमारे यहाँ तो तेड़ा बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं? और इसे ना आज शिवरात्रि के दिन खाया जाता है शकरकंद तेड़ा। तो इसकी सब्जी बनाने के लिए मैंने उन्हें छील के काट लिया है और यहाँ कढ़ाई में चढ़ा दिया तेल और साबुत धनिया और हींग डाला है। और जैसे ही धनिया हो जाता है फिर ये कटे हुए तेड़े हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे करेंगे मिक्स। फिर डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक, क्या है नमक डालने से तेड़े अच्छे से, वैसे तो ये उबले हुए हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर तक नमक चले जाता है। इस तरह कभी बनाइएगा बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। अब इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स, फिर इसे ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकने रख देंगे और फिर कर देंगे इसे और मिक्स और फिर ढक्कन लगा के फिर पकेंगे। अब जैसे ही ये पक जाते हैं तो देखिए इनमें कितना सुंदर सा एक ना गोल्डन ब्राउन कलर का कलर आ गया है। और अब बनाते हैं मसाला, जिसके लिए हमने ले लिया है जीरा धनिया लाल मिर्च और थोड़ा सा लिया है मैंने इसमें गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी भी एक दिन मैं आपको बनाना बताऊँगी। और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और मसाले को करेंगे मिक्स। तो जो हमारे भुने हुए तेड़े हैं उनमें डाल देंगे ये सारा मसाला, और मसाला डालने के बाद इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो लीजिए जी मसाला तो हो गया है मिक्स और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। और मसाले ऐसे चढ़ जाते हैं इसमें क्योंकि ये बिना मसाले का हमने भुना है। तो बन गया है हमारा ये मसाले वाला सूरन या तेड़ा। अब इसमें हम एक चीज़ डालेंगे, ऊपर से घी डालेंगे एक चम्मच जिससे कि इसका टेस्ट ना दुगना हो जाता है। चाहे तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने सरसों के तेल में बनाया है। अब ये घी डाल के ऊपर से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारा घी मेल्ट नहीं हो जाता। फिर डाल देंगे इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया जो इसके स्वाद को दुगना कर देगा। और देखिए कितना सुंदर सब्जी बन के तैयार हो गई है हमारी। अब इसमें हम एक चीज़ डालेंगे और क्या डालेंगे, नींबू का रस जो कि इसके टेस्ट को और दुगना कर देगा। और जो गले में खसखस सा होता है ना तो ये नींबू का रस डालने से नहीं होता है। कभी भी अरबी की सब्जी हो या तेड़े की थोड़ा सा खटाई चाहे अमचूर डालिए, डालिएगा ज़रूर, ये एक टिप भी है। और इधर ले लिए हैं मैंने ये दो आलू, मैं बनाऊँगी इससे दही वाले आलू। आलू को मैंने छील लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है। देखिए दही को फेंटना बहुत ज़रूरी है
और इसमें आलूओं को इस तरह से हाथ से मसल के तोड़ लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले, जिसके लिए ले ली है हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। मसाला डालने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले दही में मिल जाएं, और डाल देंगे इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और देखिए कितना सुंदर इसका कलर आएगा ना मसालों का। इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और मिक्स मिक्स मिक्स। फिर कढ़ाई में डालेंगे तेल और डालेंगे सिर्फ हींग, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा कसूरी मेथी। इस तरह से डालेंगे ना तो इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो देखिए थोड़ी सी कसूरी मेथी हुई तेल में, और हमने डाल दिए दही में मिक्स करे हुए आलू और मसाले। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और वही दही के बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के हम आलू में और डाल देंगे, ताकि हमारी ग्रेवी जितनी हमें चाहिए उतनी बन जाए। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और इसे हम थोड़ी देर के लिए यूं ही पकने के लिए रख देंगे। बहुत झटपट से बन जाती है, क्योंकि आलू इसमें हमारे पके हुए हैं। दही को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ यह है कि आपको थोड़ी देर इसे हिलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो दही फट जाती है। और आँच को थोड़ा सा सिम करिएगा। तो देख लीजिए कलर कितना सुंदर आ गया, हरे धनी से सजाइए। लीजिए जी, आलू भी हो गए हैं तैयार। अब लगाते हैं हम पूड़ी का ये जो आटा हमने रेस्ट के लिए रखा था, इसे भी मसल लेंगे अच्छे से, जो कि बहुत सॉफ्ट हो गया है। और देखिए कितनी अच्छी इससे गुब्बारे की तरह फूली फूली पूरियां बन के तैयार होंगी। इधर तेल हो गया है पूड़ी का गरम, और थोड़ी सी ना मैंने लोइयां बना के रख दी हैं। तो फटाफट से अब पूड़ियां निकाल लेते हैं गरम गरम। देखिए लग रही हैं जैसे गोलगप्पे हैं, है ना। बस बहुत फूली फूली गुब्बारे की तरह मेरी हो गई हैं पूरियां भी तैयार। चलिए जी, अब पूरी तो हो गई हैं तैयार, अब करते हैं भोले की, लगाते हैं थाली, यानी कि भोग लगाने की करते हैं तैयारी। तो कर लेती हूँ मैं प्लेटिंग। हो गया है अब ये सारा सब बन के तैयार, अब करते हैं हम प्लेटिंग, जिसके लिए मैंने शकरकंदों को भी काट लिया है। इन्हें भी मैंने उबाल के रख दिया था, तो ये भी मैंने काट ली हैं, क्योंकि शकरकंद भी आज के दिन का एक प्रसाद माना जाता है, ये भी भोले को चढ़ता है। तो ये भी मैंने काट के एक बाउल में रख लिया था। अब लगा लेते हैं थाली। तो लीजिए जी, ये हो गई है हमारी खीर, और ये हो गए हैं साबूदाने की खिचड़ी, और ये लीजिए ये बन गए हैं हमारे शकरकंद। अब ले लीजिए हम इसमें पूड़ी और दही वाले आलू। देखिए हमने फिर से, मैंने आपको बोला था ना कि मैं खीर को सजाऊंगी, तो गुलाब की कुछ पंखुड़ियां लेके धो के साफ कर ली हैं। इन्हें कैंची से बारीक बारीक काट लिया है, बहुत अच्छा लगता है। रेड गुलाब होता तो और सुंदर लगता। लीजिए जी, हमारी हो गई है भोग की थाली तैयार। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बनाने को। और अब हमारी हो गई है शाम की पूजा की तैयारी, जिसमें कि राहुल टाइम से आ गया था, तो हमने कर ली पूजा।
पूजा करने के बाद हम दोनों ने यहाँ पे खाना खा लिया था। तो आ गई हूँ आज की वीडियो के एंडिंग में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कर सही बात इसमें इसी में खा लेते ना सब्जी सारी के आज शिव का विवाह हुआ तो इतनी लाइट जलाना तो बनता है घर को सजाना।